अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप शेयर करनी थी, मैं ग्रोसरी गई थी अपनी बहन के साथ चेज़अप पे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने घर आके, मतलब मैंने 3-4 दिन तक वीडियो को छेड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं बनी है नहीं बनी या कुछ हुआ है या नहीं। तो जब मैंने 3-4 दिन बाद वो वीडियो एडिट करने के लिए निकाली, तो उसमें आ रहा था कि नोट सपोर्टेड समथिंग, तो वो तो गई सारी की सारी। तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाई थी, अम्मी की ग्रोसरी करने गई थी, लेकिन जब जाते हैं साथ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो उस बात को भी काफ़ी दिन गुजर गए। तो मैं ये एक फ्रेश क्रीम का पैकेट लाई थी, ये पूरा ये था, ये जिसमें से बच्चे तीन पैकेट खा चुके हैं और उसमें से एक ही बच्चा है। और एक ये लेके आई थी चोको चिप्स का डब्बा, ये सही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए, तो इसमें से भी थोड़े से यूज़ हुए हैं। तो ये छोटा सा पैकेट है, इसमें होते हैं 5 रुपए का है, इसमें 4 बिस्किट होते हैं, तो अगर 2 भी दे दो उनको तो चल जाता है। अभी तो इन्होंने काफ़ी यूज़ किए हैं, फिर भी काफ़ी पड़े हुए हैं, ज़्यादा मीठा इनके लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैं ये वाले ले आती हूँ। एक मैं ये लेके आई थी, इसमें से ये आज ही मैंने खोला है, ये बहुत मज़े के होते हैं, ये नए आए हैं। और ये कॉटन है, कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो ये मैं रखती हूँ, ये मेरे पास थी लेकिन ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं और ले आई। ये मैंने लिया था एक पैकेट, मेरा जो पहला था वो एक्सपायर हो गया क्योंकि यूज़ नहीं हुआ, हम गांव गए हुए थे, तो साबुने मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं गई थी तो मैंने ये ले ली। ये मुझे ये देखना था कि ये कैसा, मतलब कैसी होती है, हम तो सेफगार्ड यूज़ करते हैं बच्चों के लिए डिटॉल, तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसी, इसकी खुशबू, मुझे एक हैंड वॉश था मेरे पास, बहुत अच्छी खुशबू थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। तो ये मैं टिशू के डब्बे लाई थी, इम्तियाज़ पे मैं गई थी, उधर बहुत महंगे थे, तो ये 2 लाई थी मैं, एक तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया, तो ये मैंने एक खोला था और ये एक अभी पैक पड़ा है, ये मुझे पड़ता है 88 समथिंग का, तो ये बिल्कुल सही है। और मैं लाई थी ये हैंड वॉश, एंटीबैक्टीरियल मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश, ये मुझे 100 रुपये में पड़ा था, इतनी बड़ी बोतल, तो इसलिए मैंने ये ले लिया, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ मैं लाई थी, ये लाई थी मैं रोल ऑन था एक, ये मैंने ये एक इसलिए लिया, पहले मैं ज़्यादा लेती थी 5 से 6 आयशा के बाबा के लिए, लेकिन इसलिए मैंने कम लिया कि पहले जब मैं लेती थी 118 का होता था ये, और अब मैंने जो ये लिया है तो ये 190 का, एकदम से इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो बस यही थी मेरी चीज़ें, वो वाली वीडियो तो गई, अब कभी नेक्स्ट टाइम गई जब तो फिर शेयर करूँगी आपके साथ। तो मुझे इम्तियाज़ से ज़्यादा अब भी मैं इसी को यही बोलूँगी कि चेज़अप इम्तियाज़ से बेटर है, क्योंकि उससे जो मैं चीज़ें लाई थी वो ये मुझे मसला हुआ था कि जैसे कि एक्सपायरी डेट उनकी ना बहुत करीब करीब थी, तो इसलिए मुझे अक्सर लोगों से मैंने सुना था कि वो लोग ये ऐसी चीज़ें देते हैं जिनकी एक्सपायरी करीब होती है। तो चने की दाल मैंने दिखाई होगी आपको, जब मैंने वो बनाया था एक वीडियो बनाई थी उसमें, तो वो पाउडर पाउडर हुआ हुआ था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला ये एक्सपायरी के करीब है, तो इसलिए मुझे नहीं समझ आया, तो मुझे तो यही सही लगा। तो ठीक है, इसके साथ ही जब नेक्स्ट टाइम गई तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।